भगवान का रूप होता है, लेकिन यदि वही डॉक्टर लापरवाही करने लगे तो मरीज का तो भगवान ही मालिक है। एक ऐसा ही वाक्या नरसिंहपुर में देखने को मिला, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक नवजात बच्चे की मौत हो गई और डॉक्टर हैं कि अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। नरसिंहपुर के एक निजी अस्पताल में करेली निवासी जैन दंपति डिलीवरी करवाने के लिए आए थे। डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा की गई और जैन दंपति एक बच्ची के माता पिता बने। बच्ची की प्रारंभिक जांच में डॉक्टर ने जैन दंपति को बताया कि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ है, इसलिए बच्चों के स्पेशलिस्ट आशीष हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष उपाध्याय बच्ची को देखने के लिए आए और डॉक्टर आशीष उस मासूम को इलाज के लिए अपने अस्पताल लेकर गए और वहां भी कुछ समय इलाज के बाद उन्होंने जैन दंपति से बच्ची को बाहर ले जाने को कहा। हालात बिगड़ते हुए देख डॉक्टर ने आनन फानन में उसे जबलपुर रेफर कर दिया। लापरवाही की हद तो देखिए कि डॉक्टर साहब ने जिस एम्बुलेंस से रिफर किया था उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं थी और रास्ते में मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और डॉक्टर आशीष उपाध्याय पर लापरवाही के आरोप लगाए। इसी बीच पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, पर सवाल उठता है कि आखिर गलती किसकी है। अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि हमारी गलती नहीं है, तो वहीं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कहते हैं हमसे जितना अच्छा इलाज करते बना था हमने किया। परिजनों का आरोप है कि अगर डॉक्टर उपाध्याय सही एम्बुलेंस से बच्ची को रेफर करते तो शायद आज उनकी बच्ची जीवित रहती। ये मेरी वाइफ और मैं यहाँ पे कल एडमिट हुए थे 9 तारीख को, और 9 तारीख को एडमिट हुए, उसको दर्द हो रहा था पेट में, तो मैम ने बोला, कंजन मैम ने बोला कि अभी एडमिट रहने दो, 6-7 दिन उसके 9 महीने में कम थे, तो मैंने कहा ठीक है जैसा भी रहे वैसा अपन कर लेते हैं। तो अचानक उसको सुबह ज़्यादा दर्द हो गया, उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं आ भी नहीं पाया और उसका ऑपरेशन भी हो गया। केवल थोड़ी सी मेरी बहन बस थी और इतनी ज़्यादा परेशानी होगी, ऑपरेशन भी हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा किया। लेकिन उसके बाद उसको थोड़ी सी बिल्कुल माइनर, क्योंकि उसका वजन अच्छा था, माइनर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो आशीष उपाध्याय आशीष हॉस्पिटल में उन्होंने रेफर किया। वो आए, उन्होंने बोला वहाँ पर ले आओ, और वहाँ पर उन्होंने रखा, मेरे से 5 से 10 हज़ार रुपये भी ले लिए। उन्होंने बोला 24 घंटे रखेंगे, उसके बाद अपन देखते हैं कि और कितने दिन रखना पड़ेगा। फिर बोलने लगे 4 घंटे रखेंगे, फिर बोलने लगे आप ले जाइए यहाँ से। उन्होंने इतनी जल्दी में उसको भेजा, ना उसके लिए ऑक्सीजन की इंटरनली कोई व्यवस्था करी, ना कोई भी व्यवस्था नहीं, और ऐसी एम्बुलेंस बुलवाई उसमें भी ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली, और केवल एक शटक बस डाल दी कि इससे देते रहो। थोड़ी देर बाद हम लोग ने देखा कि ऑक्सीजन नहीं आ रही है, बच्ची फिर भी ठीक थी, सांस लेने में बस दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग भी उसको थोड़ा सा रखे थे अच्छे से कि भैया उसको दिक्कत ना हो। गोटे गांव पहुंचते पहुंचते जब ऑक्सीजन के सिलेंडर में कुछ नहीं था, ड्राइवर से बोला, जो गाड़ी अपनी आप लोग ने एम्बुलेंस देखी है, कि भैया ये कहाँ, मतलब इसमें ऑक्सीजन आ ही नहीं रही। तो उन्होंने देखा कि हाँ सही में नहीं है, ये तो खाली है, तो उन्होंने गोटे गांव के सरकारी अस्पताल से वो सिलेंडर चेंज किया, और चेंज भी किया, और उसको भी 5 मिनट बाद उसमें भी ऑक्सीजन नहीं थी, खत्म हो गया वो भी, और मेरी बच्ची वहीं खत्म हो गई। फिर हम लोग फिर भी उम्मीद रखे, बच्ची की डेथ हुई है, आप क्या आरोप है कि हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही, क्या कर रहे नहीं सर, वो जो बेबी थी शायद 3-4 दिन उसका समय कम था, थोड़ी सी प्री टर्म थी, वो उसको अर्जेंट फीटल डिस्ट्रेस हुआ, सडन ऑनसेट ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, धड़कन बिगड़ने लगी थी बच्चे की, इसलिए उसका अर्जेंट अपने को LSCS करना पड़ा था, इमीडिएट कराया था बेबी का। ऑपरेशन के दौरान एक लूप ऑफ कॉर्ड भी फंसा हुआ था अंदर, और शॉर्ट कॉर्ड भी थी, इमीडिएट कराया था, सब ठीक था, पीडियाट्रिक कॉल अटेंड हुआ, थोड़ा सा ग्रंटिंग लग रही थी, इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन के लिए। मैडम थोड़ा हिंदी में बताया ना, धड़कने उसकी ऊपर नीचे हुई, धड़कन ऊपर नीचे हो रही थी, इसलिए उसका अपने को अर्जेंट सीजर लेना पड़ा। ठीक है, उसका 9 महीने में कम खत्म होने, 9 महीने स्टार्ट होने में ना 2-3 दिन कम थे, इसलिए पहले अपन उसको खींच रहे थे, माइल्ड प्रीटम थी बस वो, ऑल सारे इंजेक्शन जो देते हैं उसके लिए अपन ने रोकने की सारी प्रक्रिया कर ली थी, बीटामेटाजोन डुआडिनोन सब दे दिया था, पर फिर भी उसकी धड़कन बिगड़ रही थी, इसलिए अपने को अर्जेंट में उसका सीजर करना पड़ा। सीजर के बाद इमीडिएट कराया था, पीडियाट्रिक कॉल अटेंड हुआ, सन को थोड़े समय बाद थोड़ी हल्की ग्रंटिंग लगी, मतलब थोड़ी सी उसको सांस लेने में हल्की दिक्कत महसूस हो रही थी ऐसा लगा। बच्चे का वजन वगैरह भी ठीक था, 2.4 kg 2 kg 400 g था। सर ने कहा 24 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है, इसलिए कौन सर ने कहा, डॉक्टर उपाध्याय सर ने कहा। आप क्या विजिटिंग डॉक्टर हैं? हमारे यहाँ पे विजिटिंग डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड विजिटिंग डॉक्टर, उनका पूरा नर्सिंग होम है, पीडियाट्रिक। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने बच्चे को क्या प्रॉब्लम बताई?
उन्होंने बच्चे को बस बच्चा वो फाइन, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ऑब्जर्वेशन के लिए अपने हॉस्पिटल में रेफर किया उसको, अपने हॉस्पिटल में रखने के लिए कहा, वहाँ उनकी पूरी सुविधा है, ऑब्जर्वेशन के लिए रखना था उनको। मदर आपके पास थी, बेबी वहाँ था? हाँ, मदर वॉज हेयर, मदर का सीजर हुआ था इसलिए मदर यहाँ थी, बेबी वहाँ था। उसके बाद शायद उनका दो घंटे बाद उनको हालत खराब होती हुई थोड़ी लगी, तो इसलिए उन्होंने जबलपुर रेफर किया, और फिर अभी हमें पता चला शायद बेबी सर्टिफाई हो गया। क्या लगता है मैम, किसकी लापरवाही है ये? उनका आरोप है कि भाई उसको जो जिस एम्बुलेंस में भेजा उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। अब एग्जैक्टली लापरवाही नहीं कह सकते, कोइंसिडेंट ऐसा हो गया, कोइंसिडेंटली मैम अपनी जवाबदारी है, लेकिन हॉस्पिटल देयर मे बी सम प्रॉब्लम टू द, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम भी रही हो बच्चे को, अपन एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि नॉर्मल था। आपके यहाँ से वो अंडर ट्रीट था बोल रहा है? हाँ, 9 महीने से वो ट्रीटमेंट करा रहा था, पर सडनली किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या बच्चे की धड़कन बिगड़ना किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। क्या 9 महीने में क्या कारण हो सकता? शॉर्ट कॉर्ड हो सकती है एक रीजन, गले में नाल फंसी हुई हो सकती है, बच्चे को हो सकता है इंटरनल कोई प्रॉब्लम रही हो। पहले सोनोग्राफी में आप बता सकते थे कि उसको नाल फंसी हुई? नहीं, नाल फंसी हुई बताई थी, वह बच्चा घूमता रहता है, पहली सोनोग्राफी में हो या आखिरी में हो ये अपन नहीं कह सकते। नाल वाले भी नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन उसकी चूंकि सडन ऑनसेट ऑफ अचानक से धड़कन बिगड़ने लगी, इसलिए अपन ने किया। अब एग्जैक्ट रीजन कि क्यों ऐसा हुआ या बच्चे क्यों सर्टिफाई हुए, 7 महीने की बच्चे भी आराम से कभी 2 घंटे ट्रैवल कर लेती है, ऐसा नहीं है। अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं यही प्रॉब्लम थी इस कारण वजह से। कुल मिलाकर अभी आप भी श्योर नहीं है कि उसकी मौत हुई कैसे? एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते आपको कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, थैंक यू, बिकॉज बच्चे का वजन अच्छा है।